हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड योर टीचर फ्रॉम एसएस कॉन्वेंट स्कूल। आई होप आप सबको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अब आपकी पढ़ाई पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई होगी, है ना। अब आप अपना घर पे ऑनलाइन बैठ के अब पढ़ रहे होंगे, आप सबके पास बुक्स भी आ गई होंगी, है ना। यस, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की हम सेकेंड कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिस फॉर क्लास सिक्स, ओके। यस, सो एवरी वन ओपन योर बुक्स नाउ। अब आप सब अपनी बुक्स खोलें, ठीक है। और जिनके पास बुक्स नहीं हैं अभी भी, वो जल्दी से ले लें, क्योंकि आपका सिलेबस फिर बहुत पीछे रह जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। चैप्टर का तो नाम था इंट्रोडक्शन की कंप्यूटिंग डिवाइसेज। आपको पता है जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, क्या इंसान जैसे आज है वैसे 100 साल 1000 साल पहले भी थे? नहीं, हज़ार कितने सालों पहले जो इंसान थे वो एप्स थे। एप से डेवलपमेंट होते 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 हम आज बने हैं, ठीक है। जैसे हम आज हैं वो कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए ओवर द ईयर्स, तब जाके ऐसे ही जो कंप्यूटर था तो उसके भी काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स बने, बहुत ही बेसिक मैकेनिकल मशीन्स बनी जो कि हाथ से किया जाता, तब जाके वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रांसफॉर्मर, कितने सारे साइंटिस्ट का अंदर हार्डवर्क गया, तब जाके हमारे सामने आज का जो आप देख सकते हैं कंप्यूटर वो है, ठीक है। तो मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी थी? एक अबैकस है जो कि आप ये देखते हैं, हमने इसके बारे में अभी कल ही पढ़ा था, ठीक है। उसके पहले फिर ये नेपियर्स बोन, देन दिस वन स्लाइड रूल, कैलकुलेटिंग क्लॉक एंड पैस्कलिन, राइट, ठीक है। ये सब हमने कल पढ़ा था। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे आपने वो सारे कर लिए होंगे और मेरे पास आप तुरंत उसके फोटो क्लिक करके भेजें, ठीक है। जहाँ पे आपने क्वेश्चंस किए हैं मुझे तुरंत सारी फोटोज़ चाहिए, विद इन आज ही के दिन मुझे सारी फोटोज़ चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे तुरंत मेरे पास सारी फोटोज सेंड करिएगा, ओके, जहाँ पे आपने वो सारे क्वेश्चन किए। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है द लिबनीज व्हील, ओके। तो अभी हम उसी फेज में है ना, अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अबैकस से लेके अब हमने पास्कलिन तक पढ़ा था, अब हम लिबनीज व्हील पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कब इन्वेंट की गई थी? 1673 में। नाउ व्हाट इज लिबनीज व्हील, देखते हैं। द फर्स्ट जनरल पर्पस कैलकुलेटिंग मशीन, जो पहली जनरल पर्पस मतलब जनरली जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते थे ईजिली, तो वो जो फर्स्ट जनरल पर्पस कैलकुलेटिंग मशीन थी वो क्या थी? लिबनीज व्हील, ठीक है। और इसके आगे आपको एक और चीज़ लिखनी है, इट कुड डू बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकती थी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा पहले की जो मशीन्स थी वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाती थी या डिवीजन नहीं कर पाती थी, है ना, या फिर कुछ थी जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकती थी, लेकिन ये जो था ये एक जनरल पर्पस कैलकुलेटिंग मशीन थी, ठीक है। और इसको इन्वेंट किसने किया था? जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रेड वॉन लिबनीज। क्या नाम है? गॉटफ्रेड वॉन लिबनीज, ओके। और इन्होंने कब इन्वेंट किया था इसको? 1673, तभी यहाँ पे आपको इसके आगे डेट दी हुई है ना। यस, सो लिबनीज इम्प्रूव्ड अपॉन पास्कलिन। लास्ट जो डिवाइस हमने पढ़ी थी वो थी पास्कलिन, ठीक है। उसी के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट हुआ, एक स्टेप हम और फर्दर गए, आगे गए, तब हमें क्या मिला? लिबनीज व्हील, ओके। सो द लिबनीज व्हील ऑपरेटेड बाय यूजिंग सिलेंडर ऑफ स्टेप्ड टीथ। जैसा कि आप अपनी बुक्स में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेंडर्स हैं जो कि स्टेप्ड टीथ, ठीक है, उनके फॉर्म में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी। जैसे एक है फिर उसके आगे एक, फिर उसके आगे एक, जैसे सिलेंडर्स आपको दिख रहे हैं स्टेप टीथ के फॉर्म में, तो ऐसे ये लिबनीज व्हील बना था और इसी के तरीके से ऑपरेट होता था, यू कैन सी, ओके। सो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, इट कुड डू बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ लिबनीज व्हील, सो लिबनीज व्हील वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज कैलकुलेटेशन कैलकुलेटिंग मशीन, इट कुड डू बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट, यस। सो लिबनीज ऑल्सो स्ट्रांगली एडवोकेटेड द यूज ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, आपको पता है कंप्यूटर में कौन से, जब भी हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो वो वन और जीरो में जाता है, ठीक है, तो वो बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर और कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये लिबनीज व्हील जो थी इसी ने एडवोकेट किया, मतलब इसने इसी चीज़ को और बढ़ावा दिया, इसको बोला कि बाइनरी नंबर सिस्टम को इन्होंने और भी ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, विच वॉज फंडामेंटल टू द ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, जो कि आगे जाके बहुत ही काम के साबित हुए मॉडर्न कंप्यूटर्स के लाइक एरा में, जहाँ जब वो मॉडर्न कंप्यूटर्स बने, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज एरिथ्रोमीटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? एरिथ्रोमीटर, यू कैन सी इट हियर, राइट। सो दिस वॉज डेवलप्ड इन 1820 में बना था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चार्ल्स जेवियर थॉमस डे कॉलमो, अ फ्रेंचमैन, वॉज एनदर ग्रेट इन्वेंटर हुज एफर्ट्स असिस्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल डिजिटल मैकेनिकल कमर्शियल कैलकुलेटर नोन एज एरिथ्रोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एरिथ्रोमीटर, तो आप क्या आंसर देंगे? द एरिथ्रोमीटर इज द वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल डिजिटल मैकेनिकल कमर्शियल कैलकुलेटर, ठीक है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, एर्थ्रोमीटर, या और यू कैन से इट लाइक द फर्स्ट सक्सेसफुल डिजिटल मैकेनिकल कमर्शियल कैलकुलेटर नोन एज एर्थ्रोमीटर, जो पहला डिजिटल, डिजिटल मतलब जो आपको यहाँ पे दिखेगी, डिजिटल जो डिजिटलाइज हो, ठीक है, मतलब आप कुछ भी पुट करें, जैसे आपने कोई भी इनपुट दिया सो आप उसको डिजिटल फॉर्म में देख पाएँ, ठीक है, रादर देन कि आपको कुछ वो मैकेनिकल फॉर्म ऐसा कुछ करना पड़े. सो इट हैड दी एबिलिटी टू परफॉर्म दी फोर बेसिक, और इसके पास एबिलिटी थी चार बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन. तो ये देखो, ये भी ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन. सो दीज आर, ये जो आप चार ऑपरेशन देख रहे हैं, यही बेसिक फोर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है. एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज एर्थ्रोमीटर, तो आपको पता चल गया, ठीक है, कि यही है इसकी डेफिनेशन है, ठीक है. और फिर ये इसका क्या है, बेनिफिट्स हैं, क्या है बेनिफिट्स. पहला बेनिफिट है कि इसके पास एबिलिटी थी चारों बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने की, और सेकेंड बेनिफिट क्या है कि ये 16 डिजिट्स तक का इन आउटपुट दे सकता था, मतलब जो ये रिजल्ट दे सकता था तो उसमें अप टू 16 डिजिट्स आ सकते थे, ठीक है, जो कि पहले 6 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट यहाँ तक था, आपने पढ़ा है अभी पहले, राइट, यस.